हाँ आ रहे आ रहे आ रहे आ रहे भाई थोड़ा आगे ले लो भाई भाई मैडम नहीं आ रही है हाँ थोड़ा पीछे भाई हेलो 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 गाड़ी के पास ही गाड़ी के पास क्या बात जैसे हो बढ़िया भाई आप कैसे हो कैसा रहा आपका सूट सफर मेरा बहुत बम्पी रहा आप लोगों ने तो देखा ही है मैं यार ऑनेस्टली बस एक ये था कि मेरी कहानी जो मेरी साइड ऑफ द स्टोरी है मेरे को बस वही पहुंचानी थी बट मैं इतना खुश हूँ कि आप लोगों ने इतना प्यार दिया है मुझे मेरी साइड ऑफ द स्टोरी बताने से पहले ही आप लोग समझ गए थे कि व्हाट आई वाज गोइंग थ्रू फॉर 3 वीक्स पहला हफ्ता मुझ पर थूका गया टेररिस्ट कहा गया मुझे दूसरे हफ्ते से मेरी गर्लफ्रेंड और मेरे मॉम डैड पर इतनी चीज़ें बोली गई कि आई कुडंट टेक इट जब प्रिंस भी आया था घर के अंदर उसे जब 2 बार कहा गया था वो इतना गुस्सा हो गया था उसने कहा था कि मैं दरवाज़ा खोलने का भी नहीं रुकूंगा उठा के फेंक दूंगा तुझे बाहर तो मैं तो 2 हफ्ते से सुनते आ रहा हूँ एक पहला हफ्ता तो कुछ और ही मुद्दा था तो एक जो 3 हफ्ते का वो जो यू नो मेंटल डिस्टर्बेंस मेंटल टॉर्चर जो मैं झेल रहा था उसका एक आउटबर्स्ट था ये मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि मेरे एक्शन थोड़े एक्सट्रीम थे आई एम रियली सॉरी फॉर दैट मैं अभी भी उसको जस्टिफाई नहीं करता आई एम सॉरी बट कोई नहीं था वहाँ पे रोने वाला मैं गुनावर के साथ हाथ पकड़ के कॉमन एरिया में रोता था कोई नहीं था रोकने वाला जब चीज़ें इतनी एक्सट्रीम हो गई तब जाके लोगों ने बोला कि अरे यू नो व्हाट तुम्हें ऐसी बात नहीं करनी चाहिए तो आई मीन आई एम ग्लैड कि यू नो ऑफकोर्स लोगों ने मेरी अपॉलोजी भी एक्सेप्ट की एंड मेरे को बस दुख इस बात का है कि लोगों को अंदर इतनी चीज़ें करने के बाद टेररिस्ट बोलने के बाद ये सब करने के बाद एक अपॉलोजी भी नहीं मिली एंड मुझे या पूरे रिलीजियस कम्युनिटी को एंड कोई पनिशमेंट नहीं थी मैंने अपॉलोजाइज किया पनिशमेंट भी झेली और फिर भी निकाला गया तो कुछ नहीं करने के बाद भी चांस दिया गया लोगों को बस मुझे वो चांस भी नहीं मिला भाई हम आपके साथ हैं अपने फैंस लोगों को भाई कुछ बोलना चाहोगे जो आपको इतना सपोर्ट करते दिल से लेता बट यार 3 हफ्ते के बाद आई थिंक इट इज़ अंडरस्टैंडेबल फॉर एवरीवन कि मैं क्यों नहीं कर पाया अगेन थैंक यू सो मच फॉर अंडरस्टैंडिंग माई साइड ऑफ द स्टोरी इवन बिफोर आई कुड टेल इट एंड मैं आज जो भी हूँ मैं आप लोगों की वजह से हूँ थैंक यू सो सो मच आई लव यू गाइस थैंक यू भाई ये जोड़ी को किसी की नज़र ना लगे भाई एक सेकंड ओके मैम आज मेरा पहला सवाल आपसे जिस तरह से स्टैंड लिया उन्होंने अपनी मम्मी के लिए आपके लिए काफ़ी कमाल का स्टैंड है देयर आर सो मेनी पीपल बैकिंग यू व्हाट डू यू वांट टू से थैंक यू टू हिम एंड थैंक यू टू द जनता फॉर सपोर्टिंग हिम एंड गिविंग हिम सो मच लव एंड गिविंग द सपोर्ट द मच नीडेड सपोर्ट बिकॉज व्हाट ही इज गॉन थ्रू उसके बाद द लव हैज गिवन दैट सपोर्ट टू अस So what do you want to say about the eviction? Yeah, honestly, मैं जैसा कि मैं इंटरव्यूज में कहता भी आया हूँ एक तो पहली बार जो फेमिनिस्ट कार्ड मेरे पे खेला गया है आई थिंक दैट इज़ कम्प्लीटली रॉन्ग क्योंकि अगर मैं अपने लिए खड़ा होता ना आई वुड हैव डन दैट इट इज़ अंडरस्टूड आई डू नॉट स्टैंड फॉर मी मेरे को टेररिस्ट बोला गया मैंने ले लिया मेरे को चीज़ें बोली गई मैंने ले लिया बट मेरी गर्लफ्रेंड और मेरी मॉम वहाँ पर नहीं है तो मैं भी 2 इम्पॉर्टेंट लड़कियों के लिए ही मैंने स्टैंड लिया एक मेरी गर्लफ्रेंड है जिसके साथ मैं अपनी पूरी ज़िंदगी बिताने वाला हूँ दूसरी मेरी माँ है जिसने मुझे जन्म दिया तो आई थिंक मैंने भी उनके लिए ही स्टैंड लिया तो ये फेमिनिज्म का एंगल लगाना नॉट कूल एट ऑल अदर देन दैट लोगों को बिना अपॉलोजाइज के बिना कोई पनिशमेंट के चांसेस दिए गए मुझे अपॉलोजाइज करवाया गया पनिशमेंट भी दी गई पर मेरे को चांस नहीं मिला सो A little strange, but ठीक है बाहर आके जब मैंने देखा
कि जो इतना प्यार मिल रहा है, यू नो, पीपल आर सपोर्टिंग पीपल, वो टेलिंग हर ऑल्सो कि यू नो द वे ही टू द स्टैंड फॉर यू, जैसे आपने अभी कहा कि यू नो थोड़ी खुशी होती है दिल को. आई नो कि मेरा थोड़ा एक्सट्रीम चला गया था एंड आई एम स्टिल सॉरी फॉर दैट एंड आई अपोलोजाइज फॉर इट, बट इट इज़ अंडरस्टैंडेबल क्योंकि 3 हफ्ते का मेंटल टॉर्चर ही झेलना कंटिन्यूसली ऑन अ लूप कुत्ते के साथ सोने से पहले पूरे दिन इज नॉट एन ईजी थिंग. It's not an easy one. Yeah, your fans are always there. Thank you so much. One small message for fans, both of you. You want to say something first? Thanks for understanding. Joe, of course, his actions are not encouraged, but what he was put through, and there was nobody to support him inside. Jin logon ne comments kiye the, unko encouragement mili. That's why unhone wo baar baar wo cheezein ki. इसे पोक किया है एंड वो चीज़ जनता ने समझी है एंड दे हैव गिवन हिम द मच नीडेड लव द मच नीडेड सपोर्ट एंड वी एक्टर्स हम बस जनता के प्यार के भूखे हैं और वो मिल जाए तो उससे बड़ी बात क्या है. और उसका नाम जीशान है, अल्लाह की शान है और आपने वो शान रखा. थैंक यू सो मच. थैंक यू सो मच. मैं सिर्फ इतना कहना चाहूँगा, I am so proud that you know you guys are my fans. You guys are more than fans. You guys are family. I love you all so much. क्योंकि मैं एक ही चीज़ घड़ी घड़ी बोलता आ रहा हूँ कि मेरी साइड ऑफ द स्टोरी बोलने से पहले, मेरे बोलने से पहले आप लोग समझ गए और आप लोगों ने सपोर्ट दिया. There's nothing greater than that. I love you guys and मैं अपने पूरे दिल से आप लोगों को बहुत 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 सारा प्यार भेजता हूँ. Thank you so so much. Thank you so much. Thank you. Thank you. Love you guys.